There's this bad brake sound जो बहुत बुरा नजर आता है, वो भी जब आप half brake पे चलाते हो। कैसा वाला? की 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 की? नहीं 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 नहीं, cut 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 cut। अच्छा okay। Cut 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 cut। हमने sound भी बता दिया आपको। Cut 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 cut। अगर जेब में पैसा हो ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर सेडान चाहिए ना, तो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह शेयर कर रही हैं, और उसमें से एक है ये। इसको कहते हैं वॉक्सवैगन वर्टुस। बिल्कुल ही नया सा ये प्रोडक्ट अभी मार्केट के अंदर आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके किसी कस्टमर से मिलवाया जाए और गाड़ी दिखाई जाए। गाड़ी जो है गोल्डन रैप्ड लगती है, काफ़ी क्यूट गाड़ी ये लगती है। थोड़ी सी पीछे से अगर दिखाओ यहाँ से, तो यार सेडान का मतलब होता है लंबी गाड़ी, और ये सीरियसली लंबी और स्लीक बनाई गई है गाड़ी। साइड से पीछे की प्रोफाइल, तो यार ये जो लगती है ना यहाँ से, ये वॉक्सवैगन का जो ठप्पा लगा हुआ डिज़ाइन है ना, वैसा सा लगता है। आगे से भी वैसी सी लगती है। एक बार ही इस तरह तरीके से दिखा देते हैं, तो इस टाइप की जो स्टाइलिंग है, जो स्लीक सा एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। जबकि इसी सेम प्लेटफॉर्म पे स्कोडा स्लाविया भी है, तो पीछे से भी काफ़ी स्पेस है यार। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि होंडा सिटी वाला जो लेवल है ना, उससे भी ज्यादा स्पेस है। मुझे लगा कि यार होंडा सिटी मजेदारी नहीं है, पुरानी भी हो गई। घर में ऑलरेडी एक होंडा थी, आई वाज लाइक लेट्स फाइंड समथिंग न्यू, कुछ नया। तो जैसे ही वर्टुस का टीजर रिलीज हुआ, मैंने कहा यही आएगी, यही है मेरी पहली पसंद, यही आएगी, मंदिर यही बनेगा। आइए देखते हैं, बड़े यूट्यूबर तो ये लग रहे हैं। चलो खोलो, आइए देखते हैं। ओ इसका रेयर स्पेस, इसका ना मेरे को एक बहुत बड़ी यूएसपी लग रही है। एब्सोल्युटली है, मतलब किसी भी नॉर्मल सेडान के मुताबिक अगर आप देखें तो इस ये काफी स्पेशियस है। अगर आप ड्राइवर सीट को पूरा पीछे कर लोगे फिर भी। अभी आप ये देखो, ये मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, एंड इनका ये 6 फिट है। इतने लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ है। आप लेग रूम देखो सामने, आप हेडरूम देखो, काउच लग रहा है घर वाला। रेयर स्पेस तो ठीक है, लेकिन जब फैमिली जाती है तो बूट स्पेस कितना है वो तो दिखा दो। बिल्कुल, इसमें आप कम से कम 4 लोगों का सामान लेके जाएंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। Oh man, it's the best in class boot space in this segment. In this segment. Okay, and इसके अंदर 4 या 5 सूट के साथ सकते हैं ना? आराम से, and then we have the spare wheel. Full size है या small? नहीं, it's 1 inch small, 15 inch वाला है। बहुत स्पेशियस है, आप इसमें बहुत सारा सामान इजीली रख सकते हो। एंड द गुड पार्ट इज इट्स अ 60-40 सीट फोल्ड, सो मेरी रेयर सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। सो इफ आई हैव रियली लॉट ऑफ लगेज, मैं अपनी रेयर सीट फोल्ड करके इसमें और लगेज भर सकती हूँ, जस्ट द टू ऑफ अस। आई एम नॉट दैट टॉल, 5 फुट 4 इंच हाइट है, सो मेरे लिए इट्स अ वेरी स्पेशियस केबिन। ये मेरी ड्राइविंग पोजिशन अक्सर रहती है। आप देख सकते हो कि ये गाड़ी, मतलब आप इसका कैबिन देखो, आप इसका ऑडोमीटर देखो, दिस अ 10-inch स्क्रीन। इस गाड़ी को लेने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, विच इज़ वेरी गुड लुकिंग। मेरे लुक्स मैटर करती हूँ ऑनेस्टली। मेरे पास इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है मेरे को, जो मेरा आईफोन इंस्टेंटली चार्ज कर देता है, जो आजकल की नीड है, एक्चुअली एक्चुअल नीड है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें टाइप सी केबल सपोर्ट करता है, दो आगे दो पीछे, सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप अपना फोन चार्ज करो, कोई दूसरा, यू नो, आजकल के जो जितने भी हाईटेक फोन है, टाइप सी सीधा बोल दो ना आईफोन। नहीं यार, एक नोट 20 वाला भी है हमारे घर में। सो आईफोन के अलावा भी इसमें फोन स्टार्ट हो जाएंगे। इसका पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड है। अभी ये मुझसे कह रहा है कि मैं इसको पी पे लेकर आ जाऊं, अटेंशन बताता है। बट देन बेसिकली जब ये इंजन, जब डोर क्लोज रहता है, इसमें काफ़ी कुछ इंफोटेनमेंट का सिस्टम आता है, आपको इकोनॉमी पता चलती है गाड़ी की। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता ड्राइविंग करने से। घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? 45 किलोमीटर। जो पहले गाड़ी चला रहे थे उसके अंदर ज्यादा टेंशन होती थी क्योंकि गियर शिफ्ट होते थे। पहले मैं गाड़ी चलाती नहीं थी, मुझे डर लगता था। ओके, तो फर्स्ट गाड़ी में चलाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ऑटो ट्रांसमिशन आ गया है। करेक्ट। ओके, मैंने चलानी ऑनेस्टली स्पीकिंग हेक्सा में सीखी थी, व्हिच इज माय मैनुअल 4x2 कार, बट क्योंकि वो इतनी ह्यूज है एंड सिटी स्ट्रीट्स के लिए नहीं बनी है, तो मैंने सोचा कि यार एक सेकेंडरी सिटी कार, यू नो, एक सेडान चाहिए मुझे। सो विच इज़ वाई, यू नो, आई ज़ीरोड ऑन इन अ फॉक्सवैगन। इसका यूज़र इंटरफेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोथ स्क्रीन का एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम का। इट्स एक्चुअली वेरी इंगेजिंग, और सामने से आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इतनी इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको एकदम, अरे यार मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देख रही हूं, नहीं है इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट फ्लडेड नहीं है। सो इट्स एब्सोल्युटली इन द, एंड देन यू नो आई वांटेड टू शो यू दिस पैडल शिफ्टर्स।
So it also has the paddle shifter. So if you want to go into the manual mode, you can. अब ये तो वो है जो उन्होंने driving experience लिया है. अब जो नए customer होते हैं ना, वो अंदर cabin भी देख के जाते हैं, है ना? Cabin में क्या-क्या चीजें इसमें खास हैं? So cabin में जो मुझे पसंद आता है, वो है इसके interior. अगर आप door देखो इसका, इसका black and grey का बहुत beige, you know, beige seats हैं, black and grey, you know, it's a very nice combination. बहुत मतलब देखने में अच्छा लगता है. इट्स अ वेरी क्लासिक कॉम्बिनेशन. आप इधर भी देख रहे हो, वेरी डीसेंट, वेरी डीसेंट. बहुत चंकी नहीं है, बहुत चंकी नहीं है. आप इसके ये डोर हैंडल्स देखो, देयर आर यू नो वेरी नाइस फिनिश. यू कैन सी, यू कैन टच. एंड दिस इज मच, दिस इज अ वेरी गुड अपग्रेड पुरानी फॉक्सवैगन से. मतलब फॉक्सवैगन के जो पुराने मॉडल्स थे, वेंटो एंड पोलो से, बहुत बहुत अच्छा अपग्रेड किया है. सो ये अच्छी बात लगी. और जो अगर आप इंटीरियर में देख रहे हो, इसका ये इंफोटेनमेंट के पास जो ये जो यू नो हाईलाइट दिया है सिल्वर एंड ब्लैक का, पियानो ब्लैक फिनिश एंड ये सिल्वर रिम्स, दिस एक्चुअली लुक्स वेरी एलिगेंट. अंदर से बहुत ही एलिगेंट लगता है. छुई मुई वाला फैक्टर तो चलो कवर कर दिया, लेकिन थोड़ा एक एंथुजियाज्म वाला फैक्टर मैं आपको थोड़ी बातें बता दूं. ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm का है, बेस्ट इन क्लास है. ये भी मतलब इस सेडान सेगमेंट में काफ़ी ऊपर है. अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल अगर आप देखो तो इसका, जैसे अगर आप इसको, वैसे तो ये गाड़ी नहीं बनी है ऑफ रोडिंग के लिए, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, बट अगेन अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे चले जाते हो तो ये आपको बचा लेगी, ये आपको निकाल देगी वहाँ से. ऐसा नहीं है कि आप फंस ही जाओगे, इतना है. 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, ये हाईलाइन मॉडल है तो इसमें ये वाले अलॉयस हैं. बट ये भी टेम्परेरी है इनके लिए, है ना? ये टेम्परेरी है, इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस प्लान्ड हैं और हम इनके साथ एक और वीडियो कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस का. जिस टाइप की ये गाड़ी ली है ना इन्होंने, ये जो गोल्डनिश जो कलर है, वैसे से कुछ रिम मैच नहीं हुआ इसके साथ. हाँ, मतलब मेरे को भी ये लगा था. अब ये एक थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट भी था, और दूसरा ये था कि मैं सेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मेरे को गैजेटरी इतनी ज़्यादा एक्साइट नहीं करती है अगर मैं अपनी बात करूं तो. इसीलिए टॉप मॉडल में सनरूफ थी, जो कि मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद कभी आई नहीं. तो मैं यूजुअली क्या है कि एक प्लेन वनीला कार हो जो थोड़ा सा एक यू नो आपको सेफ्टी. प्लेन वनीला बटर स्कॉच नहीं चाहिए हमें. और क्या लगता है इसकी जो बॉडी लाइनिंग है, कैसी लगती है? एग्रेसिव है, प्रेजेंटेबल, जब रोड पर चलती है प्रेजेंस कैसी? रोड प्रेजेंस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जैसा मैंने कहा आपको कि अगर आप इसको ऑफिस लेके जाते हो तो एक एग्जीक्यूटिव स्टाइल की गाड़ी लगती है. आप रोड पे भी चलते हो तो लोग पलट पलट के देखते ही हैं इसको, क्योंकि ये इसका अगर आप व्हील बेस देखो तो ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. यार बहुत लंबी गाड़ी है ये. हाँ, बहुत. ये एक्चुअली में होंडा सिटी स्कॉडा स्लाविया से भी ये 20 mm लंबी है, स्लाविया से भी. इसका मतलब जो रेयर पैसेंजर सीट है उसमें कितना ज्यादा स्पेस मिल जाता है. वही दैट इक्वेट्स टू, हाँ, जो वो इक्वेट इसलिए करते हैं कि एक तो नी रूम ज्यादा मिल जाता है और आपने बूट स्पेस तो देख ही लिया, 521 liter का इसका बूट स्पेस है. और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉक्सवैगन वर्टिस से और मेरे पास जो दूसरी गाड़ी है उससे भी, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल शिवास गुड लाइफ CHIVASGOODLIFE थोड़ा लंबा है, जाके देख लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. और जो भी ये कर रहे होंगे अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कर लेना. ये स्पेसिफिक मॉडल में 1 liter पेट्रोल ऑटोमेटिक है ये, लगा दो उसको. तो ये काफ़ी स्मूथ इंजन है, मतलब सिटी के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट, और 6-speed गेयरबॉक्स से परफेक्टली मेटेड है. जो इसका टॉप मॉडल आता है वो 1.5 liter है. अच्छा, इन गाड़ियों में एक चीज़ दिखा दूँ, थोड़ा पास आके दिखाओ, जो इंजन की जो इंजन बे है कितने अच्छे से मैनेज की हुई है ना. कुछ भी ऐसे नहीं लग रहा है कहीं से भी कोई सी तार क्लटर नहीं, कुछ भी लग रहा है, कुछ क्लटर नहीं है. बस अगर यहाँ पे एक और कवर लग जाता तो बिल्कुल इंसुलेशन. हाँ, और मतलब मेरे को एक चीज बन जाती, एक चीज अच्छी नहीं लगी वो ये कि इसके ऊपर भी इंसुलेशन नहीं है. द इशू इन दिस कार इज बेसिकली इसका जो कैमरा का क्वालिटी है, जो रेयर जो पार्किंग कैमरा का क्वालिटी है, पिक्सेलेट होता है वो, पिक्सेलेट होता है यार. ये चीज समझ नहीं आती, इतनी बड़ी गाड़ी बनाना. और एग्जैक्टली मतलब इट्स अ डीसेंट एक्सपेंसिव कार, मतलब अच्छा इन्होंने कैटेगराइज किया था. अच्छा, कितने दिए, कितने थे इसके? 16.5 lakh में. मुझे लगता है कि ये दो चीजें, इनफैक्ट 3 चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं. पहला, इसका कैमरे का, रिवर्स कैमरे का जो मतलब पिक्सेलेशन है, रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं उसका. दूसरा, इसके ना ब्रेक में, आई एम नॉट श्योर कि फॉक्सवैगन का इशू है या 1 liter TSI में हर जगह इशू है, बट देयर इज दिस ब्रेक साउंड. देयर इज दिस बैड ब्रेक साउंड जो बहुत बुरा नजर आता है, वो भी जब आप हाफ ब्रेक पे चलाते हो. कैसा वाला? की 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 की. नहीं 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 नहीं, कट 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 कट. अच्छा, ओके, कट कट कट. हमने साउंड भी बता दिया आपको, कट 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 कट. ऐसे तो वो सिर्फ इसी कार में है? नहीं नहीं, एक्चुअली फॉक्सवैगन के 1 लीटर इंजन के सारी गाड़ियों में है. इट्स आल्सो रिपोर्टेड इन स्लाविया 80. ओके, 80 में स्लाविया में भी रिपोर्ट किया जा रहा है इस चीज को, ये वाला इशू है उसके अंदर ये. और ये सिर्फ 1 लीटर 80 इंजंस में है. जितना अच्छा इसका वायरलेस कारप्ले चलता है आईफोन के साथ, मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के गाड़ी बनाई है, बट जितना सीमलेस इनका आईफोन का कारप्ले चलता है, उतना सीमलेस ऑटो एंड्रॉइड ऑटो नहीं चलता है वायरलेस.
सो और आप जैसे ही एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करोगे सो आफ्टर सम टाइम आपको दिखेगा सिग्नल्स लूज हो रहे हैं, मैप नहीं चल रहा, कुछ चीज ब्रेक हो रही है, तो हो सकता है वो हो सकता है सॉफ्टवेयर का ग्लिच हो, वो जब अपग्रेड इसकी आ जाए तो सॉल्व हो जाए। प्रोबेबली आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद हम मतलब सर्विस के टाइम पे हम ये चीज रेज करेंगे। तो अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, और अगर कोई और भी सोच रहा है उसको भी दिखाइए। हमारा काम था वीडियो बना के दिखाना आप लोगों को, आपका काम है हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्यार दे जाना लाइक सब्सक्राइब और शेयर के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन, बाय बाय।